ऐसे तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वज़ीर आज़म को कौन एडवाइस करता है ये ट्वीट्स करने के ऊपर। मैं सिर्फ एक ट्वीट पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया है गो पेट्रोलियम का कि उन्होंने मेरे मैसेज के ऊपर 50% सैलरी इंक्रीज की अपने एम्प्लॉयज़ की। आपको याद है जब बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम क्राइसिस हुआ था तो जून 2020 में एक रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये रिलीज हुई थी रिपोर्ट, और उसमें बड़ी तफसील से कंपनीज के नाम लेके बताया गया था कौन सी करेंसीज ने क्या क्या इसके अंदर हरकतें की हुई हैं। ये फिर FIA का केस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंगली जिस कंपनी का जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर ने, गो पेट्रोलियम, इसके ऊपर इस कमीशन की रिपोर्ट में इल्जाम हैं कि उन्होंने तकरीबन 1.1 अरब रुपया तो गलत स्टेटमेंट से कमाया जब उन्होंने शो कराया कि उनके पास इतने रिजर्व्स थे और उसके दो नंबर काम कर वो आपको उसके मुताबिक एक कोटा मिलता है वो बेच के। और फिर एक और इल्ज़ाम था जो इनके साथ 5-6 और कंपनीज थी कि उन्होंने एक शिप मंगाई हुई थी और वो हाई सीज पर रखा और जब जमीन यहाँ बहुत महंगाई हुई उस वक्त उन्होंने वो जो सा है ना उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ला के मार्केट में बेची, उसके अंदर भी 1.04 बिलियन का इन पर इल्ज़ाम है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये इन लोगों ने नाजायज़ प्रॉफिट्स कमाए। कोई काफ़ी ज़्यादा करीबन 24 कंपनियों का नाम है जिसके अंदर 9वें नंबर पे ये गो पेट्रोलियम है और जो ये ब्लैक जो पेट्रोलियम किया गया उसके अंदर ये इनको सबसे ज़्यादा इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने लगाया। ये तो फैसला भी आगे होगा, लेकिन वज़ीर आज़म को ये ट्वीट्स करने का मशवरा किसी ने दिया होगा, बताया होगा, उनको तो नहीं पता। आई थिंक उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म उन कंपनीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने ट्वीट्स में जिनके ऊपर उनके अपने इंक्वायरी कमीशन ने सीरियस इल्ज़ाम लगाए हैं, तो फिर बाकी भी पता नहीं क्या कि उनको इतला दी होंगी। मेरा आज का सवाल है क्या, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर सब कुछ अच्छा है और बहुत से इंडिकेटर्स अच्छे हैं तो फिर मुल्क में इतनी मायूसी क्यों है? आम आदमी क्यों समझ जाए कि माशी तौर पर मैं तबाह हो गया हूँ, महंगाई है, और अगर है तो इसमें गवर्नमेंट वाकई कसूरवार है या वी जस्ट हैव टू रोल विद द पंचेस। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर इशफाक हुसैन खान।